हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज गॉस लॉ। ओके, मैं गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैंने आगे क्या आपको बताया था, मैं थोड़ी आपको एक रिमेक देता हूँ कि भाई हमने आगे स्टडी किया था एक इलेक्ट्रिक डायपोल के रिगार्डिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल्स? द टू इक्वल चार्ज एंड द अपोजिट नेचर एट द सर्टेन फिक्स डिस्टेंस, इट इज द नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। पी इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए, ऐसा उसका इक्वेशन सिंपलीफाई हुआ था। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस डायरेक्शन इज अ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। देन आफ्टर इज द अवर नेचर इज अ टू टाइप्स मोलिक्यूल्स, वन इज अ पोलर मोलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। तो पोलर मोलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं भाई? पोलर मोलिक्यूल्स हैव्स विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिहेव्स लाइक इज द डायपोल मोमेंट। एंड देन आफ्टर द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इट डज नॉट बिहेव इज लाइक इज द डायपोल मोमेंट, बट द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स वी आर द कैप इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक टू बिहेव इज अ पोलर मोलिक्यूल्स, इट इज नॉन एज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। देन आफ्टर और द इलेक्ट्रिक डायपोल हैव द टू चार्ज एंड द टू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड्स एंड द अपोजिट नेचर सो दैट हैव द टोटल चार्ज इज जीरो। इट टोटल चार्ज इज जीरो सो दैट इज अल्सो द फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी वॉज द फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन द एक्सिस एंड एनी द पॉइंट्स एंड देन आफ्टर वी आर अल्सो द फाइंड आउट द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड एनीवेयर पॉइंट। ठीक है, ओके। तो ऐसे सारे लोकेशन पे हमने क्या फाइंड आउट की थी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले चैप्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी भाई पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। देन आफ्टर हमने देखा कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक लिनियरली, देन आफ्टर एक सरफेस में, देन आफ्टर हमारा एक वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी लोकेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही आपने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया और उसकी ऑन द एक्सिस पे फाइंड आउट किया, इक्वेटोरियल एक्सिस पे फाइंड आउट किया, अनइवन पॉइंट पे फाइंड आउट किया, बट क्या फाइंड आउट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरी लोकेशन पे आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ख्याल आया आपको? ओके। देन आफ्टर हमने एक लास्ट में ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई व्हेन वी कैप द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स द एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड इट्स द रोटेट्स इन अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। ठीक है, और रोटेशन होते वो अपनी जाते और कहाँ पे आ जाएगा भाई? एक अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहता है, इज अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर द हाउ मच इज द एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क द नाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, दिस इज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। मैंने क्यों यहाँ पे क्रॉस बोला है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन आफ्टर हैव द मैग्नीट्यूड इज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, तो कब टॉर्क मैक्सिमम लगता है? व्हेन वी कैप द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस हैव द एक्सपीरियंस इज द टॉर्क इज मैक्सिमम। एंड कब टॉर्क हमको जीरो लगता है, मिनिमम लगता है? कब टॉर्क आपका मिनिमम लगता है? व्हेन वी कैप द इलेक्ट्रिक डायपोल्स इन द aligns to the electric field so that theta is equal to 0 and sin 0 is equal to 0 so that torque is equal to 0. Okay, today our topic is Gauss's theorems and Gauss's law. ओके, तो गॉस लॉ क्या बताती है कि भाई गॉस लॉ की एक थोड़ी कंडीशन भी है, वो कंडीशन को आपको ध्यान में रखते हुए उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो गॉस लॉ की एक फर्स्ट कंडीशन है, इट इज द एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस। वो किस पे एप्लीकेबल है भाई? एक क्लोज सरफेस पे ही एप्लीकेबल है। क्या भाई? आपकी सरफेस एक क्लोज होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर आपकी जो सरफेस क्लोज सरफेस है वो गॉस लॉ बताती क्या है? हमने आगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट की कि भाई क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया कि भाई यहाँ पे एक हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एच चल रहा था एंड व्हेन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैप्ट एक क्लोज सरफेस इनसाइड। ठीक है, हमने एक क्लोज सरफेस हमने उस पर पुट किया था तो उसकी जो क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हुआ था इज जीरो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमका मीन्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको जो फाइंड आउट हुआ था वो एक जीरो फाइंड आउट हुआ था। ओके, तो गॉस लॉ को क्या बताती है? गॉस लॉ ये फ्लक्स की रिगार्डिंग ही बातचीत कर रहा है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का, तो उसका इक्वेशन मैंने करा था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस का। तो हम दूसरा भी इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, अगर उसकी बीच का कोई एंगल होता। किसकी बीच का भाई? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की बीच का जो एंगल होता है अगर, तो हम ई डी एस कॉस थीटा का इक्वेशन भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो गॉस लॉ क्या बताती है कि भाई जो हमारा फ्लक्स फाइंड आउट हुआ है क्लोज सरफेस का, इट इज द डिपेंड ऑन द चार्ज, इट इज द डिपेंड ऑन द चार्ज, बट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? इन द क्लोज सरफेस। ठीक है, इनसाइड द क्लोज सरफेस।
तो गॉस लॉ ये बताती है कि पे हमारा जो फ्लक्स फाइंड आउट हुआ है, हमारा फ्लक्स लिंक हुआ है एक एरिया पे, एक एरिया पे हमने क्लोज सरफेस सपोज के हमने कंसीडर की हुई है क्यूबिक, क्या तो आप कंसीडर कर सकते हो एक स्फेरिकल, क्या तो आप कंसीडर करते हो वन सिलेंडर, ठीक है ओके। तो कोई भी आप क्लोज सरफेस कंसीडर कर लो और क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स फाइंड आउट होता है वो फ्लक्स एक चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, बट वो चार्ज कहाँ पे रहना चाहिए, इनसाइड द क्लोज सरफेस। आपको चार्ज कौन सा काउंट करना है, इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो एक सेकंड आपकी कंडीशन फाइंड आउट हुई कि भाई वो चार्ज की वैल्यू पे तो डिपेंडेंट है, बट आपको ओनली फॉर चार्ज काउंट करना है कि भाई आपकी जो क्लोज सरफेस आपने कंसीडर की हुई है वो क्लोज सरफेस की इनसाइड कितना चार्ज है। वो इनसाइड चार्ज आपका वन चार्ज, वन कूलम चार्ज भी हो सकता है, फाइव कूलम चार्ज भी हो सकता है, कोई भी कूलम चार्ज हो सकता है, ठीक है, बट इनसाइड चार्ज होना चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी का हो सकता है और नंबर ऑफ क्वांटिटी का भी हो सकता है, वन वन चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ऐसा सपोज के एन चार्ज है, बट कहाँ पे होना चाहिए, इनसाइड द क्लोज सरफेस। बट जो आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड आपको काउंट करना नहीं है, ठीक है, आउटसाइड काउंट करना मना है। क्यों काउंट करना मना, ये भी मैंने आपको बताया था और अभी मैं बताऊंगा कि भाई सपोज के यहाँ पे हमारा ऐसा कोई एक बॉडी अवेलेबल है, दिस बॉडी इज अ क्लोज सरफेस, एक क्यूबिकल शेप का है, ठीक है ओके। तो मैंने सपोज के यहाँ पे चार्ज ऐसे रखा है, ऐसे मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है, दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट पॉजिटिव चार्ज इज अ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड ऑन द स्फीयर, ठीक है। ये चार्ज हमने एक सपोज के एक स्फीयर जैसा हमने कंसिडर किया हो, तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट होगी और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाली सरफेस पर लिंक हो रही है। भाई इस वाली सरफेस पे लिंक तो हो रही है, तो उसका फ्लक्स क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसर्ट हुई है इतनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, तो आपका टोटल फ्लक्स कितना फाइंड आउट हो जाएगा, जीरो, ठीक है, इसलिए आपका टोटल फ्लक्स जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए गॉस लॉ ने क्या बताया है कि भाई आपको टोटल चार्ज काउंट करना है, बट कहाँ पर काउंट करना है, इनसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी के इनसाइड कितना चार्ज है वो आपको काउंट करना है, चलाया ओके। देन आफ्टर उसने इक्वेशन बताया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, दिस इज अ फ्लक्स इक्वेशन, सो दैट फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, बट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, इनसाइड द क्लोज सरफेस, ओके। एंड देन आफ्टर हमने आगे देखा था कि भाई हमारे पास वन चार्ज है, वन कूलम चार्ज है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर सकता है, ख्याल आया आपको, हमारे पास वन चार्ज है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, तो हमने ऐसा लिखा हुआ था कि भाई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितनी हमारा फ्लक्स का एक मीन्स के हमारी फ्लक्स क्या होती है कि भाई नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंटरसेक्ट टू एरिया, इंटरसेक्ट टू एरिया, इट इज नॉट एज अ फ्लक्स, हमको ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करनी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको ओनली फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही काउंट करनी है। तो हमने इनसाइड एक चार्ज को डाल दिया, जैसे कि आपके पास एक क्लोज सरफेस अवेलेबल है, एक स्फेरिकल एक क्लोज सरफेस अवेलेबल है, उसकी इनसाइड आप एक लैंप डाल देते हो, तो लैंप की जो लाइट प्रोड्यूस होगी तो वो क्या वो सरफेस से बाहर आ सकती है, वो सरफेस से बाहर नहीं आ सकती, ओके। तो गॉस लॉ की टू कंडीशन हो गई, पहली तो कौन सी कंडीशन थी कि भाई आपका जो गॉस लॉ है तो अभी आप लगा सकते हो जब आपके पास एक क्लोज सरफेस हो। देन आफ्टर सेकेंड कंडीशन क्या है कि भाई उसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज इज इनसाइड टू क्लोज सरफेस, आपने जो इनसाइड क्लोज सरफेस में जितना चार्ज रखा है उसकी वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट है। देन आफ्टर मैंने आपको क्या बताया कि भाई कोई भी का चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितनी। तो यहाँ पे सपोज का एक क्लोज सरफेस पे आपने एक क्लोज सरफेस कंसिडर किया हुआ है, इसमें सपोज का एक क्यू चार्ज आपने रखा है, क्यू चार्ज की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, फाइव कूलम, टेन कूलम, कोई भी वॉट एवर, ठीक है ओके। देन आफ्टर इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ख्याल आया। तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्लोज सरफेस से बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि आपने एक क्लोज सरफेस कंसिडर किया हुआ है और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होगी आपके सरफेस एरिया पे, ठीक है। आपका सरफेस एरिया कैसा है उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होगी, ठीक है। एक मिस का एक क्यूब है तो इसमें ऐसा एक प्लेन होगा, ठीक है। देन आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है तो ऐसा आपका स्फेरिकल सरफेस होगा, और क्लोज सिलेंडर है तो आपकी क्लोज सिलेंडर होगी, और सभी एरिया पे वो इंटरसेक्ट होगी और आपको एक फ्लक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो गॉस क्या बताता है कि भाई जो फ्लक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट होती है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ख्याल आया।
इसलिए उसने ऐसा इक्वेशन निकाला कि बाय क्लोज इंटीग्रेशन e इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपको एक गॉस थ्योरम जो मैंने आपको इक्वेशन बताया कि बाय क्लोज इंटीग्रेशन e इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो आपको प्रूव करना है। और उसकी आपको एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि भाई मैंने कौन कौन सी कंडीशन आपको बताई कि भाई आपकी सरफेस एक क्लोज होनी चाहिए एंड देन आप उसकी इनसाइड वाला चार्ज एलिमेंट ही आपको काउंट करना है, क्या लाया बट आपके बॉडी के बाहर जो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं उससे आपको फ्लक्स तो मिलेगा बट उसका नेट फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। और आपने मीन्स का जो एरिया कंसिडर किया हुआ है दिस एरिया इज सिमेट्रिकल होना चाहिए, देन आफ्टर के भाई गॉसियन सरफेस का जो लॉ है इट इज़ द इनवर्स स्क्वेयर लॉ है, ठीक है, वो भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई गॉस लॉ। ओके, हम देखते हैं कि भाई गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ ने क्या बताया कि भाई हमारा जो सरफेस उसका जो फ्लक्स हमने निकाला था आगे जो हमने क्लोज सरफेस के लिए का फ्लक्स निकाला था उसका इक्वेशन ऐसा था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ठीक है, दिस इज अ फ्लक्स। ओके, ये हमारा मीन्स के एक क्लोज इंटी हमारा क्लोज सरफेस का एक फ्लक्स ऐसे निकाला था, ठीक है। ओके, उसने क्या बोला कि भाई पहले तो हमको एक क्लोज सरफेस हमको कंसिडर करनी है, तो आप कोई भी क्लोज सरफेस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, जैसा आप कोई भी एक क्यूब जैसी भी आप क्लोज सरफेस कंसिडर कर सकते हो। ओके, ऐसी मैंने क्लोज सरफेस कंसिडर की। ओके, तो वो क्लोज सरफेस की इनसाइड एक आपको एक चार्ज पार्टिकल्स रखना है, मैंने यहाँ पे एक इनसाइड एक चार्ज पार्टिकल्स क्यू रख दिया, ठीक है। सपोज के क्यू चार्ज पार्टिकल्स एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो वो आपको मालूम है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ऐसे ऐसे ऐसे, वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो बॉडी पे लिंक हो रही है, बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये बॉडी से मिस के टच करे भी नहीं निकल नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है एक क्लोज सरफेस लिया हुआ है, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स के रिमूव हो जाएगी, बाहर एग्जिट हो जाएगी, ठीक है, बिना यहाँ पे कोई एक वॉल अवेलेबल नहीं है तो बिना टकराए ही वो बाहर चली जाएगी, तो हम उसको हम फ्लक्स नहीं करेंगे। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ लिंक टू द एरिया। ओके, तो ऐसे हमने एक बॉक्स की इनसाइड ऐसा हमने चार्ज पार्टिकल्स रख दिया, जैसा कि ऐसा आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हमने लैंप रख दिया, ठीक है, तो लैंप में से ऐसी आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वैसे हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया तो चार्ज में से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्लोज सरफेस पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, तो गॉस ने ऐसा बताया कि भाई हम उसका फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे भाई फाइ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल डी एस एरिया कंसिडर करेंगे, वो डी एस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। अगर कोई एंगल बनाता है तो हम दूसरा इक्वेशन लिख देंगे भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसे हमको फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। बट गॉस ने क्या बताया कि भाई वो जो फ्लक्स होता है दिस फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। आपने जो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस में रखा हुआ है वो चार्ज की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा उसने इक्वेशन दिया। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ गॉस लॉ। चलाए, तो गॉस लॉ ने क्या बताया कि भाई उसका जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी हमारा एक चार्ज पार्टिकल्स है, सपोज के हमारा एक वन कूलम चार्ज पार्टिकल्स है, तो वन कूलम चार्ज पार्टिकल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ख्याल आया, तो इतनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है वन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो सभी इलेक्ट्रिक अगर हमने सपोज के बॉडी में वन कूलम चार्ज पार्टिकल्स रखा है तो इसमें से आपका फ्लक्स कितना फाइंड आउट हो जाएगा, ये भाई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10^-12 इतना आपका फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के इनसाइड ओनली पर कितना चार्ज है, वन कूलम। और देखिए आपकी बॉडी एसी है, सपोज के एसी, उसको भी हम क्लोज सरफेस ही बोल सकते हैं ना। ओके, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है और यहाँ पे Q5 चार्ज है। ओके, तो आपको कंसिडर कौन कौन सा करना है, Q3 एंड Q4 जो आपकी क्लोज बॉडी की इनसाइड हो वही आपको कंसिडर करना है, Q3 एंड Q4, Q1, Q2 और Q5 कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसिडर करना,
सपोज के ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। देखो यहाँ पे इंटरसेक हुई तीन और ऐसे यहाँ से एग्जिट हो गए तीन, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक हो रही है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिट हो जाती है, तो उसका टोटल फ्लक्स मिलेगा आपको जीरो। ओके, वैसे ही हमने यहाँ पे चार्ज सपोज कर रखा है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी एग्जिट होती है ऐसी, ओके। तो यहाँ से इतनी एंटर होगी, तो उसका भी टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा जीरो। यहाँ पे हमने एक सपोज का प्लस रखा है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो उसका भी टोटल फ्लक्स कितना फिरेगा आपको जीरो। बट इन सारे वाला क्या करेगा, देखो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे ऐसे वहाँ पे एक इंटरसेक हो गए, तो उसका आपको क्या मिलने वाला है, एक फ्लक्स मिलने वाला है। ख्याल आया? तो क्यू थ्री और क्यू फोर है ना यहाँ पे, तो इसका फ्लक्स का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, कि बाय क्लोज इंटीग्रेशन इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का आपको एडिशन कर देना है। ख्याल आया? ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको एसी क्लोज सरफेस अवेलेबल है और यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट आपको दिया हुआ है थ्री क्यू, और दूसरा चार्ज एलिमेंट आपको दिया हुआ है माइनस फोर क्यू, और तीसरा चार्ज एलिमेंट आपको दिया हुआ है सेवन क्यू। तो आपका टोटल चार्ज कितना हुआ, तो आपका टोटल चार्ज कितना हुआ, आपको क्या करना है कि भाई समेशन कर देना है कि भाई थ्री एन सेवन सो दैट टेन टेन माइनस फोर क्यू, तो टोटल उसका चार्ज आप सिक्स क्यू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिक्स क्यू, इतनी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। ख्याल आया? आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके इनसाइड में ओनली फॉर एक ही चार्ज पार्टिकल्स रखना है, आप कोई भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रख सकते हो, सभी को आपको क्या करना है एडिशन कर देना। अगर आपने वन कूलम चार्ज पार्टिकल्स रखा है, तो इसमें से फ्लक्स कितना आपको मिलेगा कि भाई क्यू की वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहाँ पे वन, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट सो दैट वन अपॉन 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है वो तो आपको मालूम है कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू फाइ ई, इतना फ्लक्स आपको मिलने वाला है। ख्याल आया? ओके, तो गॉसलो ने क्या बताया कि भाई गॉसलो ने ऐसा बताया कि जो हमारा फ्लक्स का इक्वेशन है क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमारा क्लोज इंटीग्रेशन इंटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा उसने इक्वेशन दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन उसने किस किस की कंडीशन को ध्यान में रख के हुए दिया कि भाई अवर बॉडी इज अ क्लोज सरफेस होनी चाहिए, एंड देन आफ्टर द चार्ज इन द इनसाइड द कैप्ड ऑन द क्लोज सरफेस द वी आर द नॉट कंसिडर्ड इन द आउटसाइड सरफेस, एंड दिस शेप इज अ सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है, एंड इट इज द एप्लीकेबल फॉर द इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ पे भी डिपेंडेंट है। ख्याल आया आपको? ओके, चलो देखते हैं। तो देन आफ्टर अब सपोज के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यूब कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि आप मैंने आपको ऐसे बताया था कि यहाँ पे भाई पहले सिक्स प्लेन है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स प्लेन है ना, तो आपका टोटल फ्लक्स कितना फाइंड आउट होगा, तो आपका टोटल मीन्स के एक जो आपको एरिया दिया हुआ है वन प्लेन का जो एरिया दिया हुआ है ए है, ध्यान आप इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो ई है, ठीक है। तो ये तो प्लेन ही है ना, एक यूनिफॉर्म प्लेन है, यूनिफॉर्म प्लेन होता है तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है सेम। देखो इतना कितना प्लेन है भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आपका टोटल फ्लक्स कितना फाइंड आउट हो गया जाएगा, सिक्स इंटू ई इंटू ए, ऐसा आपको फ्लक्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है, जो आपने पहले आप फ्लक्स फाइंड आउट करते थे ऐसे। ओके, देन आफ्टर आपको एक इक्वेशन ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव ऑफ गॉस थ्योरम हम देखते हैं, उसका छोटा सा हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो प्रूफ हम देखते हैं कि भाई हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे रखा है, एक क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, तो पहले हमको क्या कंसीडर करना है, एक गॉसियन सरफेस। हम गॉसियन सरफेस को क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस में लिखता हूँ, व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस होती है एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। द गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी लाइंस इन द शेप ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे हम शेप कंसिडर करते हैं उसका स्फीयर जैसा, द शेप इज कंसिडर एज अ स्फीयर एंड द चार्ज इज अ कैप्ड इन साइड द गॉसियन सरफेस, हमने जो चार्ज हमने कंसिडर किया इज अ कैप्ड इन साइड द सरफेस एंड इट्स द रेडियस इज आर। ओके, तो उसकी जो रेडियस है वो आर रखी गई है और उसका जो एरिया है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, फोर पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस क्या होती है, एक सिंपल फॉर एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है, वो आपको कंसीडर करनी है। क्यों इमेजिनरी आपको सरफेस कंसीडर करनी है वो मैं आपको एप्लीकेशन में थोड़ा उसके डिप में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ओनली फॉर आपको डेफिनेशन लिखी है कि भाई कंसीडर एन
imaginary surface. Consider an imaginary surface in the shape of a sphere. ऐसा जरूरी नहीं है आपका स्पीयर जैसा ही शेप कंसिडर करो, अपन मैंने यहाँ पे स्पीयर जैसा शेप कंसिडर किया हुआ है. ओके, सच दैट प्लस टू लाइन्स एट इट्स सेंटर लेट इट्स रेडियस दैट इज रेडियस बी आर. उसकी रेडियस हमने आर कंसिडर की हुई है और उसका एरिया है यहाँ पे 4πr², तो आपको मालूम होता है कि वो स्पीयर का एरिया 4πr² है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसका फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है. तो अब आपकी फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करता हूँ, ऐसा हमारा एरिया अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया में कंसीडर करता हूँ ds, स्मॉल एरिया में कंसीडर करता हूँ ds. तो ds स्मॉल एरिया पे आपकी मिस के जो आपका जो चार्ज पार्टिकल्स होगा वो भी कितना होगा, स्मॉल, ठीक है. और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो भी कितनी होगी, स्मॉल, ठीक है. ओके, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर किया हुआ है ds, और यहाँ पे देखे कि भाई ऐसा मैंने एरिया कंसिडर किया तो ये यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती होगी तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाती होगी ऐसी, ठीक है. वैसे ओके, आपको एरिया वेक्टर कैसे आप फाइंड आउट करते हो, इज अ नॉर्मल टू द प्लेन. तो आपका यहाँ पे प्लेन है तो ऐसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एरिया वेक्टर ए, ख्याल आया आपको. ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है. ओके, तो आपको ये क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको एक फ्लक्स का इक्वेशन निकालना है ना. तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली फाइ इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ऐसा आपका इक्वेशन होता है. चला है आपको, यहाँ पे आपका फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, ई इंटू डी एस, बट आपने स्मॉल एरिया कंसिडर किया हुआ है इसलिए आपका फ्लक्स भी कितना मिलेगा, स्मॉल डी फाइ. तो डी फाइ इज इक्वल टू क्या आप लिखने वाले हो, ई डी एस कॉस थीटा, बट यहाँ पे थीटा क्या आएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर द सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और डी फाइ इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा ई इंटू डी एस. और ऐसे ऐसे आपने डी एस लेके आपने के पूरी सरफेस पे ले लिया, चला या पूरी सरफेस का एरिया ले लिया, तो उसको हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन, बोथ साइड आपको इंटीग्रेशन कर देना है. तो इंटीग्रेशन डी फाई एंड इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस. तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, टोटल फ्लक्स फाई, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक सिमेट्रिक आएगी, मीन्स के सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है कि एवरी लोकेशन ऑफ द गॉसियन सरफेस, एवरी लोकेशन, एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम. कैसे सेम, देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर. तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है. यहाँ पे डिस्टेंस तो आपका सेम है, ठीक है. तो इसलिए सभी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे आपका जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कॉन्स्टेंट मिल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रख दिया, बाहर रख दिया. और इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, डीएस का, मीन्स के एरिया का इंटीग्रेशन करना है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या निकलेगा, पॉइंट चार्ज से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना. सपोज का आपने आपका लोकेशन आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और आपका चार्ज है यहाँ पे, तो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हो. ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, यू इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज अ कूलम्बियन कॉन्स्टेंट एंड चार्ज इज क्यू अपॉन डिस्टेंस इज आर स्क्वेयर. तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको मिल गया कि आपका लोकेशन यहाँ पे था और आपको चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इसका डिस्टेंस आर यहाँ पे है, सो दैट वी आर अप्लाइंग द ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इक्वेशन, ठीक है. तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0q/r² आप यूज कर सकते हो. ओके, तो आपको एरिया का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको कौन सा एरिया दिया हुआ है, स्फीयर. तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, ठीक है. तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4πr², तो दोनों की आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि यहाँ पे 1/4πε0q/r² इंटू 4πr², क्योंकि यहाँ पे रेडियस आपके मीन्स के आपने जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर की हुई है तो गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ द स्फीयर एंड इट्स रेडियस इज आर. ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई r² कैंसिल आउट हो गया और 4π कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचा q/ε0 और क्लोज ये जो फ्लक्स का इंटीग्रेशन मीन्स के आपने एक क्लोज इंटीग्रेशन किया हुआ है तो फ्लक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस. तो आपका मीन्स के गॉस लॉ जो था वो आपका
प्रूव हो गया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आपको इक्वेशन मिल गया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन फ्लो, दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो दूसरा आपने क्या निकाला था कि भाई हमारा जो गॉस लॉ होता है, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आया डिवाइड में, ठीक है, तो इसलिए आपका जो गॉस लॉ है वो कैसा है, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, तो इसे आपने यहाँ पे प्रूव देख लिया। मैंने यहाँ पे गॉस थ्योरम मैंने लिखा हुआ है कि भाई गॉस थ्योरम का जो इक्वेशन था वो कैसे था, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ लिंक टू द क्लोज सरफेस इज अ वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो कितना चार्ज है इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस उस पर ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, देन अपर उसकी कंडीशन है कि भाई ट्रू फॉर द क्लोज सरफेस ओनली, आपकी सरफेस इसके क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, देन आफ्टर ऑल द चार्ज इनसाइड दी कंसीडर, आपका ऑल चार्ज एक क्लोज सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, अगर आउटसाइड होगा तो आपको फ्लक्स तो फाइंड आउट होगा बट उसका नेट फ्लक्स इज ओनली द ओनली ड्यू टू द चार्ज इज इनसाइड, बट आपका नेट फ्लक्स ओनली फॉर जो चार्ज इनसाइड में होगा उसका ही आपका इसके कैलकुलेशन हो पाएगी। एंड यूज द गॉसियन थ्योरम इज द सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस मीन्स के कैसा, एक स्फेरिकल सरफेस को हम सिमेट्रिकल सरफेस बोलते हैं। ओके, मैं सिमेट्रिकल सरफेस में आपको मैं डीप में आगे मैं बताऊंगा, तभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई सिमेट्रिकल सरफेस हम किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल सरफेस का मीनिंग ये होता है कि भाई एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर्स बिटवीन टू एंगल, एरिया वेक्टर्स बिटवीन एंगल्स थीटा इज रिमेनिंग सेम, आपको क्या करना है कि भाई उसकी जो एरिया वेक्टर और आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे मिस का आपको मिस का उसका कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना ई डी एस कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू मिस के सेम होनी चाहिए, ख्याल आया, एवरी पॉइंट पे कोस थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए आपका जो शेप आप कंसिडर कर रहे हो वो शेप आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर गॉस लॉ इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके, तो ऐसी उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पे हमारा गॉस थ्योरम का लॉ है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस।